देवास जिले के खातेगांव में सुबह तड़के सफाई कर्मी दीपक सफाई कार्य करने कोयला मोहल्ला वार्ड नंबर 7 गया था। वहां पर आदिल उर्फ अय्या नाम के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें दीपक के हाथ में गंभीर चोट आई। दीपक को प्राथमिक उपचार के बाद देवास रेफर कर दिया गया है। खातेगांव पुलिस ने SC ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सफाई दरोगा ने घटना से दुखी होकर खातेगांव के सभी मुस्लिम मोहल्लों में सफाई करने से मना कर दिया है। खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती के अनुसार आरोपी आदिल अय्या अभी फरार है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। खातेगांव में जितने भी मुस्लिम वार्ड है उन सबकी सफाई कताई बंद कर दी है। ना तो हम उस वार्ड की सफाई करने जाएंगे और ना किसी कर्मचारी को भेजेंगे, भले ही उसके लिए देवास कलेक्टर SDM कोई भी आके कह दे, उसके बाद भी हम। अभी कुछ देर पहले की घटना है, नगर पालिका सफाई कर्मी कोयला मोहल्ला में सफाई कार्य कर रहे थे कि एक आदिल अय्या नामक लड़के ने, जब उसके घर के सामने दीपक और उसके साथ के लोग सफाई कर रहे थे, अचानक घर से निकला और उसको जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया। तो उसने अपना हाथ कुल्हाड़ी पकड़ने के ऊपर उठाया तो उसको हाथ में चोट लगी है। दीपक को हाथ में चोट आने से उसको देवास रेफर किया है। दीपक की रिपोर्ट पर थाने पर 307 और हजन एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी की तलाश में पार्टी रवाना कर दी गई। धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।